हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन व्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं नए व्लॉग को। अभी 7:30 हुए हैं और मैं रेडी हो गया हूँ चलने के लिए तैयार, क्योंकि आज मुझे बस से जाना है। जो जो साथ में भाई जाता है वो सामने वाला, वो तो भाई आज अपनी दवाई लेने जा रहा है, तो वो बाइक से नहीं जाऊँगा मैं, तो मैं जा रहा हूँ बस से या कोई कार वार मिल जाए, क्योंकि आराम से रहते हैं ना, ठंड लगती ना कुछ, तो यही सेफ है अपना। तो अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, हमने खिचड़ी बना दी आज जल्दी जल्दी में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, वो तो डेली होती है, और 10 बज गए हैं। काम अभी तक हमने फिनिश नहीं किया, अभी 9:30 बजे उठे थे हम बेड से। तो मैं ना पोछा लगाने लग रही हूँ, सूखा रहे इस बार सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि हाथों से लगाना पड़ रहा है पोछा, नहीं तो वो पकड़ के ऐसे लगाना पड़ रहा, सर्दी लगती थी बहुत ज़्यादा। और ये रखा अभी तो मैंने इस कमरे में लगाया अपने वाले में। पापा जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गाजर के हलवे के साथ, और पापा जब जाएंगे तहसील में, ड्यूटी लगी हुई है इनकी इलेक्शन की वजह से। और मम्मी यहाँ पर कर रही है गोपाल जी के लिए पानी गर्म, गोपाल जी को नहलाएगी। मैं खुद नहा के आ गई हूँ ठंडे पानी में, पर अपने लड्डू गोपाल को मैं गर्म पानी ला, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। हमने ना कैमरा चार्जिंग पे लगाया हुआ है, डाउन हो गया था ये। जय माता दी, जय माता दी। मनीष जी जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो मेरा मन तो उनके साथ साथ माता रानी के दर्शन के लिए साथ साथ चल रहा है। ये कर लो पूजा। सो गाइस, पोछा तो मैंने लगा दिया है, अब किचन के लिए जो डब्बे लेके आए थे ना उसमें जिस चीज़ का जहाँ सामान है वो रखूँगी मैं। तो डब्बे तो ये रहे, अभी मैं सामान रख दूँगी जोन जोन से जिसका डब्बा होगा उसमें, क्योंकि ये काम भी हो जाएगा, मेरा काम फिनिश हो जाएगा, फिर मैं नहीं नहीं कर दूँगी। मैंने लगा दिए है डब्बे, जो ये डब्बे है ना ये इस बार चेंज कर देंगे, बड़े डब्बे लेके आएंगे तब इनको उसमें चेंज करेंगे, स्टील के लेके आएंगे। फिलहाल हम ये 6 लेके आए, छोटे हैं ना, 2 एक और कम पड़ रहे हैं, तो 8 करेंगे इनको, 2 और लेके आएंगे। ये देखें मम्मी ने रोड निकाले, कल लेके आए थे हम पानी गर्म करने के लिए। मम्मी पानी गर्म ये बोल तसला फ्री फ्री वाली बात बता दो। सिलेंडर भी आ गया, मुझे चिंता थी सिलेंडर की। हाँ सिलेंडर भी आ गया आज, 3 दिन में आया इस बार सिलेंडर। पापा जी ने ना प्रेस रख रखी थी और ये जला दी, प्रेस कर रहे थे, देखो पटड़ी जला दी। तो पापा ने नहीं जलाई, तो मेरी गलती है। पापा जी को तो खम्मो खा बदनाम कर रहे हैं। ना कुछ रसोई में करने लगी, पता नहीं क्या काम था, याद नहीं, मैं रख के आ गई थी। ठीक है, बाल्टी भर गई है पानी की, वो मम्मी अब लगाएगी इसमें रोड। देखो स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, पैसे 265। इधर आओ, पहले मेरे पास आओ, जल्दी 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 आओ ना। आए हाय, अच्छा गुड मॉर्निंग बोलो सबको, पहले गुड मॉर्निंग। मैं 265 लगा रही, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। मॉर्निंग मॉर्निंग 265। ये बाय कर दो सबको, बाय बाय। हेलो, राम राम जी बड़ों को, राम राम छोटों के प्यार और आशीर्वाद। आज है सकट, गणेश जी का दिन होता है, गणेश चतुर्थी। सब गणेश जी का व्रत रखते हैं, मैं भी व्रत हूँ और आप सब भी शायद व्रत होंगे। गणपति बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, और जो कोई नहीं व्रत है उसको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप सबको सकट की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बेंगलोर में है, तन में है, बिजनौर के हैं, जो मुझको आंटी मानते हैं, उन माँ की जगह। बेटा आप सबको भी आशीर्वाद बना रहे, तन में बेटा मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आपको मिलना होगा तब आ जाना जब आप बिजनौर आओगे, और सकट के हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने भी सिर धो लिया था, और मैंने ना टॉप के ऊपर दूसरा टॉप, पहले इतनी सर्दी लग गई थी ना, और सर्दी में मैंने ना ज़्यादा गर्म पानी में सिर नहीं धोया, हल्के गर्म पानी में धोया है, तो अब सूख जाएगा, उसके बाद देखेंगे, फिर मार्केट वगैरह जाएंगे। हाँ जी है बाबू, मम्मा से लो, क्योंकि मामा मुझे गाजर का हलवा दे दो, बोलो। ये आ गई लेकर गाजर का हलवा, आओ रूही को पकड़ो। अब आपको गाजर का हलवा नहीं दूंगी, आपने खाया नहीं ना, मैं दूंगी नहीं अब।
मैं आपको खिला रही थी ना कार्टून। हाँ कार्टून लगाऊंगी, पहले खाओ आप, गुड़गल बनो। ये देखे धूप कितनी अच्छी निकल गई है आज, दिखाती हूँ मैं आपको। काफी टाइम बाद इतनी बड़ी धूप निकली है, मम्मी शायद ऊपर गई। अब मार्केट कह रही थी आप, चलो फिर अब तो अच्छी होगी शॉपिंग। ये क्या पहाड़ का फेंक दिया ताऊ जी अड़ने। सुन पता, ये आज मुझे फूल मिल गया है क्योंकि आज मेरे खुशी का दिन है। हाँ सही बिल्कुल। ये नहीं पीले पीले फूल मिल गया। क्या स्पेशल डे आज? आज सकट है। अच्छा। आज के दिन तेरे पापा के लिए मुझे पसंद करने के लिए गई थी। ओहो ये है स्पेशल डे। आज स्पेशल डे है, इन फूलों को ही मैं फूलों का गुलदस्ता मान रही हूँ। पापा जी को दे दिए, सरसों का पेड़ है तो करोगी, तेरे पापा को दूंगी आप। जिंदगी का अहम दिन है आज हमारे। हाँ। एक दूसरे की जिंदगी जी थी आज के दिन। मम्मी ना तिल स्वाप करने लग रही है, बनाएगी मम्मी तिल के लड्डू, इतनी लेट बनाएगी। ये मैंने थोड़े से बचा लिए हैं क्योंकि मैं तिल का चिन्नी में डाल कर भी बनाऊंगी पंजीरी। पंजीरी तिल की पंजीरी बनाएगी मम्मी। मामदस्ता मम्मी ने लाकर रख दिया है और तिल भुने हुए लेकर आ गई है, भुन चुके हैं तिल अच्छे से। मम्मी ने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए और ये चार पांच लड्डू बना दिए और देखे कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में पता नहीं अभी खाएंगे पूजने के बाद। भगवान जी को भोग लगेगा। आलू की पूरी बना की, आलू की पूरी बनेगी, आलू की कचौड़ी तो अम्मा के हाथ की अच्छी लगती थी ना, बहुत अच्छी बनाती थी वे। तो फिलहाल सिंपल उतरेगी पूजने के लिए आलू की? नहीं शादी बना दे। ठीक है मैं बना तो है। तो आप बना लो तब तक, मैं पूरी बना लेती हूँ। लड्डू बनकर तैयार हो गया है मेरे, किलो के लड्डू मैंने बना लिया और अब देखती हूँ वर्षा ने तो पूरी बना के तैयार कर दी है। देखिए बना रही है आलू की कचौरी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है आलू की कचौरी और देखिए सच्चे में बहुत अच्छी बन रही है। अपनी तारीफ अपना कर, तारीफ की बात नहीं, वर्षा वाकई में अच्छी बन रही है। अच्छी ऐसे बना रहे हैं। हां बहुत अच्छी बन। अब ये खाना मैं पापा जी को दूंगी। ठीक है खाना जी का तो अलग रख दिया ना। हां खाना जी का बना के रख दिया साइड। ठीक है लो पापा जी करते हो, तेरे पापा को खाना देते हैं। लो जी खाओ। धन्यवाद। और मैं पूजा करूंगी, मैं ऊपर से बुलाती हूँ, क्या बोलते हैं सब करसी अंगारी करेंगे ना, अंगारी का तिल चक्का होंगे फिर। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। मम्मी लेकर आ गई। हेलो मिस्टर हस्बैंड। पापा जी खाना खाने लग रहे हैं। आज आपको हमारा खुशी का दिन याद है? ले लेंगे पहले। तो याद तो बताओ क्या दिन है आज? हाँ ये बताओ, मम्मी बताएगी फिर। कुछ स्पेशल हुआ था आज के दिन आपके लाइफ में? सोचने पड़े के पापा जी। कैसा पति हो आप? घर वाले तुझे दिखने गए थे। यार होता है ऐसा, हो अंदाजा लगाया वो भी पापा जी ने। सच्चे में पता आपको? भाई देखो मैं आप सबको, जिसकी भी जोड़ी बन रही है, जिसकी बनने वाली है, जो कोई हमारी उम्र का है, सब इस तरह खुश रहो अपने परिवार में और इस तरह अपनी याददाश्त भी ताजा रखो। पापा जी कैसी लगी पूरी? अच्छी लगी। चलो सही है। लो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा रखा। मम्मी ने पूजा तो कर ली है और अब तैयारी हो रही है तिल चटकाने की। इसमें ना तिल चटकाए जाते हैं सकट को।